मुझे यकीन है बल्लू मानव मेहर को साथ लेकर ही आएगा, है ना बेटा? हाँ माँ, मैं मानव और मेहर को लेकर ही वापस आऊंगा। मतलब हम भी यहाँ भयंकर परी के कैद में? हाँ, पर तुम दोनों चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा, तो मेरा वादा है तुम। हाँ माँ, मैं मानव और मेहर को लेकर ही वापस आऊंगा। मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा, तो मेरा वादा है तुमसे। पारे को हासिल नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, जब तक मैं पारे को हासिल नहीं कर लेता मैं कोशिश करता रहूंगा। लगता है इसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। बच्चों को बचाने वाला बालवीर। पकड़, आना मत। क्यों बिद्दी हो, पिज्जा खाओगे? खाओगे पिज्जा? हाँ हाँ खा लो खा लो। वैसे भी मोंटू बॉस पहली बार इतने प्यार से किसी को पिज्जा खाने के लिए कह रहे हैं, खा लो खा लो। वरना हमेशा मोंटू बॉस खुद दूसरों का खाना छीनकर खा जाते। मोंटू हम हैं पहले से ही परेशान, मत करो हमें और परेशान। वरना 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 क्या? वरना 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 क्या? वरना एक मिनट। अरे ये दोनों तुम्हें बताएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। बताओ बताओ इन्हें। हाँ हाँ, जैसे ही मोंटू बॉस ने तुम्हारे पप्पी को पेट शॉप में बेचकर मजा जगाया ना, वैसे ही तुम्हें भी मजा जगा सकते हैं। बस अबे गधे, ये नहीं बोलना था। पागल, ये नहीं बोलना का था। उस पप्पी को उन्होंने डिसोजा पेट शॉप में बेचा, ये बोलना था, है ना बॉस? ये भी नहीं बोलना था गधे। हाँ, ये नहीं बोलना था, ये बोलना था कि वो डिसोजा पेट शॉप गोरेगांव लिंक रोड में है ना बॉस? तुम दोनों तो सब बक दिया, सब बक दिया, जो बोलना नहीं था सब बक दिया गधे कहीं के। सॉरी बॉस। मोंटू तुमने गाल परी को बेच दिया। गाल परी? ये कौन है? वो उनका नाम है, तुम्हें उससे क्या मतलब? चलो मानव और बल्लू। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। तो तुम जाने दोगे हमें तभी जब आएगा बालवीर। बॉस है मतलब, निकलो निकलो निकलो। चलो बॉस वो चले गए।
हेलो, ओह रॉन्ग नंबर। अरे आगे बढ़ो। अरे बच्चों बच्चों बच्चों, कम 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 कम, तुमको नहीं बोला। बोलो बच्चों, क्या चाहिए? घाल परी। है? बच्चों, परी के लिए तो तुमको परीलोक जाना पड़ेगा। यहाँ पर परी नहीं, परी एनिमल मिलेगा। हाँ, लाइक कैट, डॉग, पैरेट। हमें चाहिए पप्पी। पप्पी चाहिए? कम कम कम। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए ये वाला पप्पी। हमें चाहिए ये वाला पप्पी, कुत्ते का बच्चा। ओके ओके, बोलो कौन सा चाहिए? अल्सेशिया, बुलडॉग, पोमेरियन, सब है मेरे पास। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो वो वाला पप्पी चाहिए जो एक मोटा सा लड़का और उसके साथ थोड़े कम मोटे लड़के उसे लेके आए थे। Yes, yes, he's right. ये जो पप्पी के बारे में बोल रहा है वो प्लीज हमें दे दो, वो हमारी गाल परी है। मोंटू ने चोरी करके हमारी गाल परी आपको दे दी। प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज वो हमें दे दो। प्लीज प्लीज वो हमें दे दो। प्लीज प्लीज हमें दे दो, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, नहीं रह सकते हम उनके बिना। प्लीज वो हमें दे दो। अरे बेटा कैसे दो, वो पप्पी तो मैंने सेल कर दिया। क्या क्या, किसने गाल परी को खरीद लिए? वो तो मैं नहीं बता सकता बेटा। अच्छा, मैं रानी परी से आपकी कंप्लेंट करूंगी। रानी परी? पुलिस करेंगे हम शिकायत, पुलिस को जाकर आपकी। ओए, तुमको जहाँ शिकायत करनी है जाओ करो, मेरे पास कोई पप्पी ओपी नहीं है, और जाओ यहाँ से। आगे बढ़ो। बच्चों इधर आओ। देखो तुम लोगों को रोता देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए बता रहा है कि मैंने पप्पी किसको दिया। लेकिन मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर है। अभी देता हूं। कहाँ कागज का टुकड़ा? छुपा छुपा एक, हुआ क्या? गाल परी और परी तारा कब भी नहीं मिलेगा। अब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि गाल परी कहाँ है। इतने बड़े शहर में बिना शक्तियों के गाल परी को ढूंढना नामुमकिन है। है नहीं पता कि होगी कहाँ गाल परी और किस साल में। हे देवताओं, हो जहाँ भी गाल परी, करना रक्षा उनकी। कितना प्यारा पप्पी है, मेरी वाइफ तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। पर बर्थडे तो कल है,
अभी से लेके जाऊंगा तो सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या महेश महेश यस सर तुम यही हो, मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था। बैठो 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 बैठो। क्या है ना कि कल मेरी वाइफ का हैप्पी वाला बर्थडे है, जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सर। वाइफ वाइफ हैप्पी बर्थडे टू हर योर वाइफ सर। थैंक यू ऑन हर बिहाफ। फिकर मत कीजिए सर, ऑफिस में पार्टी का इंतजाम हो जाएगा। पार्टी ऑफिस में नहीं, घर पे। हाँ तो सर ऑफिस के सारे लोग घर पे आ जाएंगे, उसमें क्या है। नहीं 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 महेश, पार्टी इनविटेशन ऑफिस ये सब बात बाद में। अभी है ना, मैंने अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट ली है। सरप्राइज गिफ्ट? सर तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम कल शाम तक, सिर्फ कल शाम तक उसे संभाल के रखो। रखोगे सर? आपका ऑफिस मेरा ऑफिस, आपका गिफ्ट मेरा गिफ्ट, आपकी वाइफ मेरी भाभी जी सर। सर आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा आपकी गिफ्ट को। पक्का? अभी देखो ये है ना, ये देखो, ये है वो गिफ्ट जिसे तुम्हें संभाल के रखना है। अच्छा, और इसे है ना हर 4-5 घंटे के बाद दूध पिला दा। सर टोकरी को दूध? मजाक कर रहे हैं सर आप। मजाक नहीं, इसे रात को 1 घंटे तक सैर कराना और कल सवेरे गर्म पानी से नीला के लेकर आना। सर आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे इस टोकरी में गिफ्ट ना होकर कोई कुत्ता हो। चा। कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं, पप्पी है, पप्पी। तो पप्पी? ओहो, मैंने तुमसे कहा था कि सेल में से 20 रुपया मीटर वाली धोती लेके आना और तुम रुमाल लेके आ गई। तो ये 20 रुपये मीटर वाली धोती है जो धोकर रुमाल बन गई है। तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है, बात बात पे टोक देती हो। अरे महेश बेटा, अरे महेश बेटा आ गया। अरे महेश बेटा, तू ऑफिस गया तब तो ब्रीफकेस लेके गया था, ये ब्रीफकेस की टोकरी कैसे बन गई? अरे अगर आपकी धोती का रुमाल बन सकता है तो ब्रीफकेस की टोकरी नहीं बन सकती? तुम मुझे बार बार क्यों टोकरी हो? ये टोकरी में क्या है? बाबूजी ये टोकरी मुझे घर लानी थी, इसलिए मैं ब्रीफकेस ऑफिस में छोड़ के आया हूँ। अच्छा सुनो, लेकिन इस टोकरी में है क्या? ये इसमें तो ये गिफ्ट है बापू जी मेरे लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बापू जी आपके लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है ना। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। हाँ माँ आपके लिए भी नहीं है ये गिफ्ट। हाँ मेरे लिए भी नहीं है। स्मिता स्मिता बहू के लिए है। अरे ये तो सरप्राइज। अरे यार ये इसको क्या है? नहीं क्या क्या सरप्राइज क्या है? हे बापूजी सरप्राइज है तो बताएंगे कैसे, है ना? सरप्राइज को बिना खोले टोकरी में हाथ डाल के महसूस तो कर सकते हैं ना। हाँ बापूजी आप एक काम कीजिए, आप टोकरी में हाथ डालकर महसूस कीजिए कि क्या है और हमें बताइए और माँ गेस करेंगे। मुलायम मुलायम दूरी जैसा भी है, जैसे जैसे किसी की पूछ हो ऐसा है। हाँ हाँ वो पर्स होती है ना उसका ऐसा पट्टा होगा। ऊपर नीचे कुछ नोकीला नोकीला है दांतों के जैसा। वो जो क्लिप होता है ना हेयर क्लिप, वो दांत के जैसा होता है ना। अच्छा अच्छा क्या क्या अटक गया? अरे नहीं, अरे तुम्हारी क्लिप ने मुझे काट लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में कुत्ता लाने की? नहीं बापूजी मैं तो ये तो मैं आपने ठीक नहीं किया, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम क्या, हम सब घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं बापूजी समझ को स्मिता 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 रुको रुको रुको।
रुको, मेहरबानी करके रुको, मेरी बात सुनो। अरे प्लीज मेहरबानी करके रुको 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 रुको। रुक गया जी माल को, सुनाओ क्या सुनाना है। नहीं नहीं भाई नहीं, मुझे सुनाने की नहीं, मुझे सुनने की आदत है। ओए, मजा आ गया। बताओ जी क्या सुनोगे? पंगड़ा सुनोगे? टप्पे सुनोगे? सुनो। अरे हाँ, आपको सुनाने वाले थे, सुनाओ क्या सुनाओगे। मैं तो कहता हूँ जी एक जोक ही सुना दो। अरे भाई यहाँ मेरा जोक बन गया है। चलो चलो यार, ये इसको घर ले जाऊंगा तो सब लोग नाराज होंगे। ओहो, ये घर में आया तो मुझे मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी, इसको कहाँ छुपाऊंगा। कोई है ले। चार पहर खत्म होने से पहले बालवीर आधा परी तारा लेकर आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास होगा पूरा परी तारा, और फिर मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिशाली भयंकर परी, और मेरे हाथों में होंगी दुनिया भर की बुराइयां, और बच्चों को परेशान करने वाली सारी शक्तियां। और वहां आएगा बालवीर और ले जाएगा मानव मेहर के साथ आपके परी तारा को भी, फिर दूसरे लोग हंसेंगे आप पर। मैं तो बस कर रहा था, बस सावधान आपको। ये तौबा तौबा की बातों में आकर कहीं ऐसा ना हो कि भयंकर परी परी तारा के इस आधे हिस्से को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर छुपा दे जहां बालवीर के लिए पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो। मैं नहीं मानती कि बालवीर अब कुछ कर सकता है। अरे वो मेरे सामने नहीं टिक पाया तो फिर हमारी रानी परी के सामने कैसे टिकेगा। कर नहीं सकता, जो कोई भी कर सकता है वो बालवीर। अरे है कैसी निकाली हवा बालवीर ने रानी परी की। योजना होगी हो गई थी इनकी ऐसी हालत जैसे नोचे खंबा खिसियानी बिल्ली। वो तो लग गया सही डाव मेरी वजह से परी भयंकर का, रानी परी का, वरना इनकी तो जी तो कर रहा है तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मारूं। मगर आजकल तुम्हारी बकवास में भी कभी कभी समझदारी नजर आती है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बालवीर से सावधान रहना चाहिए। मुझे ये परी तारा किसी ऐसी जगह छुपा देना चाहिए जहां तक बालवीर कभी ना पहुंच सके। वही हुआ जिसका डर था। अब बालवीर ये परी तारा कैसे हासिल करेगा? मुझे पता करना ही होगा कि भयंकर परी इसे कहां छुपाने वाली है। लेकिन रानी परी, ऐसी कौन सी जगह है जहां बालवीर नहीं पहुंच सकता? है एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तोबा तोबा, नटखट परी, तुम दोनों जाकर मेहर और मानव को परी भवन लेकर पहुंचो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें वहीं मिलूंगी। भयंकर परी मानव और मेहर को परिभवन में क्यों बुला रही है? चलो नटखट परी, चलो। समय आ गया है तुम्हें सुरक्षित करने का परी तारा।